तो एक हमारी ट्रांसपरेशन रह गई है और उसका नाम है स्टोमेटल ट्रांसपरेशन। हमारे जो लास्ट ट्रांसपरेशन है तो उसका नाम है स्टोमेटल ट्रांसपरेशन। अच्छा, बेसिकली ट्रांसपरेशन क्यूटिकल से हो तो क्यूटिक्यूलर, लेंटिसेल से हो तो उसका नाम था लेंटिक्यूलर ट्रांसपरेशन। अगर मैं कहता हूं लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, अगर वाटर के वेपर्स का बाहर निकलना हो, पानी के बुखारात का बाहर निकलना है, मगर कहां से निकलना है? थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीफ, थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीफ। तो पत्तों के स्टोमेटा से पानी के बुखारात का बाहर निकलना, हम उसको क्या देते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपाइरेशन का नाम देते हैं। अब जो स्टोमेटा स्टोमेटा अगर देखा जाए, स्टोमेटा आपको नजर आते हैं, ये स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। मतलब स्टोमेटा के बारे में देखा जाए तो ये स्मॉल पोर्स है, छोटे छोटे सुराख होते हैं। स्मॉल पोर्स ऑन एपिडर्मस ऑफ लीफ, एपिडर्मस ऑफ लीफ। तो जो एपिडर्मस ऑफ लीफ है, एपिडर्मस ऑफ लीफ, आपको एपिडर्मस ऑफ लीफ के ऊपर नजर आते हैं छोटे छोटे सुराख, उसका नाम क्या? स्टोमेटा। बेसिकली जो एपिडर्मस है, एपिडर्मस एपिडर्मस के लिहाज से हमारे पास दो तरह के लीफ नजर आते हैं, दो तरह के लीफ हैं। जैसे एक लीफ का नाम है, लीफ की टाइप को देखा जाए, दो तरह के हमारे पास लीफ है एपिडर्मस के लिहाज से। एक लीफ का नाम है डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, और एक हमारे पास लीफ होता है आइजोबाइलेटरल लीफ। मतलब कि दो तरह के लीफ हैं, एक है आइजोबाइलेटरल लीफ और एक हमारे पास होता है डॉर्सी वेंट्रल लीफ। जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, ये बेसिकली डाइकोट लीफ है, डाइकोट लीफ है, और जो आइजोबाइलेटरल है ये मोनोकोट लीफ है। तो ये आपके पास मोनोकोट लीफ आ गया, और दूसरा कौन सा आ गया? डॉर्सी वेंट्रल लीफ आपके पास आ गया। अच्छा, जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, इसकी सबसे बड़ी पहचान, इट हैज बोथ मीजोफिल सेल, इट हैज बोथ मीजोफिल सेल। मतलब कि दोनों मीजोफिल सेल जिसके पास मौजूद होते हैं, दोनों मीजोफिल सेल, हम उसको नाम दे देते हैं, वो डाइकोट या डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, जिसमें आपको नजर आता है स्पॉन्जी मीजोफिल सेल भी होता है, और जिसमें आपको नजर आता है पैलिसेड मीजोफिल सेल भी होता है। मतलब कि जिसके पास दोनों मीजोफिल सेल मौजूद हैं, हम उसको नाम दे देते हैं, वो डॉर्सी वेंट्रल लीफ है। इसकी सबसे बड़ी पहचान दूसरी है, इट हैज डिफरेंशिएटेड एपिडर्मस। जिसके पास डिफरेंशिएटेड एपिडर्मस है, डिफरेंशिएटेड एपिडर्मस है, हम उसको नाम दे देते हैं, वो आपके पास डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, जिसको नाम देते हैं डाइकोट का ये लीफ होता है। इसी तरह का देखा जाए सात वाले के पास, जो कि मोनोकोट का लीफ है, इट हैज ओनली वन मीजोफिल सेल, इसके पास एक ही मीजोफिल सेल होता है, इट हैज ओनली वन मीजोफिल सेल। तो जिसके पास एक ही मीजोफिल का सेल मौजूद होता है, वो आपके पास आइजोबाइलेटरल लीफ होता है, और वो कौन सा वाला है? वो इसके पास मौजूद होता है सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। तो जिसके पास स्पॉन्जी मीजोफिल सेल है, सिर्फ और सिर्फ हम उसको नाम दे देते हैं, वो है आइजोबाइलेटरल लीफ होता है। इसकी तरह इसके पास इट हैज नो डिफरेंशिएटेड मीजोफिल सेल, इट हैज नॉट डिफरेंशिएटेड, इसके पास डिफरेंशिएटेड एपिडर्मस नहीं मौजूद होती, इसलिए हम इसको कह देते हैं ये आइजोबाइलेटरल लीफ की पहचान है। अगर कहता जाए कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ के पास स्टोमेटा कहां पे मौजूद होता है, तो डॉर्सी वेंट्रल के पास अगर देखा जाए तो स्टोमेटा लोअर एपिडर्मस पे मौजूद होते हैं। देयर स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मस, मतलब इसका जो स्टोमेटा है, देयर स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मस। तो ये इसका जो स्टोमेटा आपको नजर आएगा, वो नजर आता है लोअर एपिडर्मस के ऊपर, लोअर एपिडर्मस के ऊपर। और अगर दूसरे वाले का देखा जाए आइजोबाइलेटरल का, तो इसका स्ट्रोमेटा मौजूद होता है, देयर स्ट्रोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ, दोनों के ऊपर है, बोथ एपिडर्मस। तो जो आपके पास डॉर्सी वेंट्रल है, डॉर्सी वेंट्रल, इसका स्ट्रोमेटा नजर आता है लोअर की तरफ,
और उसका आपको नजर आता है दोनों एपिडर्मस के ऊपर, जो कि आइजोबाइलेटरल कहलाता है। तो स्ट्रोमेटा के लास्ट से भी हमारे पास दो तरह के लीफ आ गए, जिसके लोअर के ऊपर है डोर्सी वेंट्रल होगा, जिसका आपको नजर आता है बोथ की तरफ, उसको हम कहते हैं कौन सा बेटा, वो आपके पास आइजोबाइलेटरल होता है। अगर देखें तो स्ट्रोमेटा के लिहाज से कि स्ट्रोमेटा स्ट्रोमेटा है क्या चीज है, बेसिकली स्ट्रोमेटा एक छोटा सा सुराख होता है, छोटा सा सुराख होता है। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये है एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल सेल है, और इस एपिडर्मल सेल के साथ ये दो आगे गार्ड सेल, ये आगे दो गार्ड सेल आगे, और इन गार्ड सेल के साथ के दूसरे एपिडर्मल सेल आगे, ये आगे दूसरे एपिडर्मल सेल आगे। ये जो आपके पास है, ये जो सेल, इसका नाम है ये एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मस। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो आपके पास दो सेल हैं, ये दो सेल आपके पास आगे गार्ड सेल, और इन गार्ड सेल के सेंटर में जो सुराख है, इस सुराख का नाम है ये स्ट्रोमेटा है। अगर एक होगा तो स्ट्रोमा, ये है आपके पास स्ट्रोमेटा, जो कि एक सुराख आपको नजर आ रहा है। इसी तरह ये भी आपके पास क्या आ रहा है, जिसका नाम है एपी डर्मस सेल आगे, ये भी एपी डर्मस सेल आगे आपको नजर आ रहे हैं, ये भी एपी डर्मस सेल है। अगर मैं कहता हूं ये एपी डर्मस सेल है, तो ये जो गार्ड सेल के साइडों पर ये आपको एपिडर्मस सेल नजर आ रहे हैं, एक ये आ गया और इसी तरह एक ये आ गया, हम इसको नाम दे देते हैं ये सबसाइडरी एपिडर्मस सेल है। ये आपको जो गार्ड सेल के साथ वाले हैं, इसको नाम देते हैं सबसाइडरी एपिडर्मस सेल। तो ये एपिडर्मस सेल आपके पास कौन सा आ गया, सबसाइडरी एपिडर्मस सेल आपको नजर आ गया। तो यहां पर देखा जाए तीन चीजों से मिलकर बनता है एक मुकम्मल तौर पे अपरेटस, एक जिसका नाम है सबसाइडरी एपिडर्मस सेल, दूसरा आपके पास कौन सा आ गया गार्ड सेल, और तीसरा आपके पास क्या आ गया स्ट्रोमेटा। और इन तीनों को मिलाओ तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है, हम उसको कहते हैं स्ट्रोमेटा अपरेटस। तो हम उसको नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड स्ट्रोमेटा अपरेटस। तो स्ट्रोमेटा अपरेटस को अगर देखा जाए, स्ट्रोमेटा अपरेटस को, तो यहां पे तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं। एक चीज का नाम क्या है, गार्ड सेल, और गार्ड सेल के साथ साथ देखा जाए एक का नाम है सबसाइडरी एपिडर्मस सेल, सबसाइडरी एपिडर्मस सेल, और सबसाइडरी एपिडर्मस सेल के साथ साथ जो तीसरे नंबर पर चीज आती है उसका नाम है स्ट्रोमेटा। तो इन तीनों को मिलाया जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, स्ट्रोमेटा अपरेटस बन जाता है। तो इसी तरह देखा जाए तो फॉर एग्जांपल जो स्ट्रोमेटा है, इसके साइडों वाले जो सेल हैं उसका नाम क्या, वो गार्ड सेल है। मतलब कि जो स्ट्रोमेटा स्ट्रोमेटा इज सराउंडेड बाय, मतलब कि जो स्ट्रोमेटा ये सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल। तो दो गार्ड सेल के जरिए से, अगर कोई आपको सराउंडेड गार्ड सेल के जरिए से जो सुराख बनता है वो है स्ट्रोमेटा आपको कहलाता है। तो देखा जाए फॉर एग्जांपल के स्ट्रोमेटा के लिहाज से इसके जो गार्ड सेल हैं, गार्ड सेल किस तरह का होता है और गार्ड सेल की क्या पहचान है। फॉर एग्जांपल ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, ये जो गार्ड सेल है इसकी ये अंदर वाली साइड है, जिसको हम नाम देते हैं इनर साइड, ये इसकी इनर साइड है। और इसी तरह ये जो आपको बाहर की तरफ नजर आती है, इसको हम कह देते हैं इसकी आउटर साइड है, आउटर साइड, ये इसकी आ गई आउटर साइड आ गई। जो इसकी इनर साइड है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये कॉनकेव साइड होती है, कॉनकेव साइड, ये कॉनकेव साइड है जिसको नाम देते हैं इनर साइड। और जो बाहर वाली है ये इसकी कॉन्वेक्स साइड होती है, तो ये इसकी कॉन्वेक्स साइड होती है। अंदर वाली जोन से होती है ये मोर थिक होती है, काफी ज्यादा मोटी होती है, जो इसकी इनर साइड है। और इसके साथ साथ ये नॉन इलास्टिक भी होती है,
तो नॉन इलास्टिक के साथ साथ मोर थिक इसकी इनर साइड है, और अगर मैं कहता हूँ लेस थिक है, ज्यादा मोटी नहीं है, और ज्यादा मोटी के साथ साथ ये मोर इलास्टिक है, तो जो मोर इलास्टिक होती है और ज्यादा आपको नजर आती है, लेस थिक होती है, लेस थिक होती है वो आपके पास नजर आती है, जो कि आउटर साइड कहलाती है। इसी के साथ साथ जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके पास एक न्यूक्लियस होता है। मतलब जो गार्ड सेल है इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके पास देखा जाए तो एक न्यूक्लियस नजर आता है, जो कि एक न्यूक्लियस इसके पास मौजूद है, वन न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के साथ साथ इसके पास काफी ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसके पास काफी ज्यादा क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, ये इसके क्लोरोप्लास्ट है, ये इसके क्लोरोप्लास्ट आ गए। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान देखा जाए, इट हैज वन न्यूक्लियस, इट हैज वन न्यूक्लियस, मतलब इसके पास एक न्यूक्लियस है। तो एक न्यूक्लियस रखने वाला आपके पास आपको नजर आता है, एक लीफ के ऊपर वो गार्ड सेल नजर आता है। इसके पास देखा जाए, इट हैज मैनी क्लोरोप्लास्ट, इट हैज मैनी क्लोरोप्लास्ट। तो जिसके पास क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, एक न्यूक्लियस मौजूद है, हम उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड गार्ड सेल होता है। इसका सबसे बड़ा रोल एक आपको बताता चलूं, इसका सबसे बड़ा रोल ये भी है कि वह फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। इट परफॉर्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट परफॉर्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक हो गया। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाला आपको नजर आता है, जिसका नाम है गार्ड सेल नजर आता है। ये जो गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल की वजह से स्टोमेटा ओपन होता है, इसी गार्ड सेल की वजह से स्टोमेटा क्लोज भी होता है। मतलब कि ये बेस करता है स्टोमेटा की ओपनिंग, और जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो किसके बेस करता है, गार्ड सेल के ऊपर बेस करता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो गार्ड सेल है, ये इस वक्त टर्जिड हालत में है, ये गार्ड सेल टर्जिड हालत में है, और अगर ये टर्जिड हालत में है तो आपको अंदर सुराख ओपन नजर आ रहा है। तो यहां पर देखा जाए, स्ट्रोमेटा ओपन, अगर स्ट्रोमेटा आपको ओपन नजर आ रहा है, स्ट्रोमेटा ओपन, इफ गार्ड सेल आर टर्जिड, तो अगर ये टर्जिड होंगे तो बेसिकली ये स्ट्रोमेटा को ओपन करके रखेंगे। तो स्ट्रोमेटा ओपन होता है जब आपको नजर आता है ये किस हालत में है, टर्जिड हालत में है। इसी तरह देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल, ये जो गार्ड सेल्स हैं ये फ्लैसिड हालत में है, फ्लैसिड हालत में, मतलब जब ये सुकड़ चुके हैं, इनके अंदर पानी नहीं मौजूद, तो उस वक्त क्या होगा, स्ट्रोमेटा क्लोज होगा। तो जो स्ट्रोमेटा है ये क्लोज होता है इफ गार्ड सेल आर फ्लैसिड, तो फ्लैसिड हालत में स्ट्रोमेटा क्लोज होता है, और स्ट्रोमेटा ओपन होता है जब किस हालत में होता है, टर्जिड हालत में होता है। तो यहां से अगर पानी का निकलना स्ट्रोमेटा से, तो क्या परसेंटेज है कि पानी यहां से कितनी परसेंटेज की लास से निकलता है, तो 90% जो आपको ट्रांसपायरेशन नजर आती है वो स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन है। तो 90% आपको नजर आने वाली वो आपके पास कौन सी है, स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन कहलाती है। ये जो गार्ड सेल मैंने आपको बता दिया, गार्ड सेल की बेस के ऊपर सब कुछ हो रहा है। यही जो गार्ड सेल है, इसकी जो शेप है, ये आपको डंबल शेप नजर आता है, डंबल शेप। तो ये डंबल शेप जो आपको नजर आता है, ये आपको नजर आता है मोनोकोट लीफ के अंदर, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर। तो मोनोकोट प्लांट्स के अंदर देखा जाए, ये डंबल शेप है। और अगर ये आपको नजर आता है किडनी बीन शेप, किडनी बीन शेप, लोबिया के दानों की शक्ल में नजर आता है, तो ये आपको नजर आता है डाइकोट प्लांट्स के अंदर। तो डाइकोट्स में ये किडनी बीन्स होते हैं, और मोनोकोट्स के अंदर ये आपको नजर आता है डंबल शेप नजर आता है, जिसका नाम है गार्ड सेल।
जो कि रोल अदा करता है स्ट्रोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए।